अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में बहुत सारी किस्म के आर्टिस्ट गुजरे हैं, जिसमें बहुत मशहूर माइकल एंजलो हैं, लियोनार्डो डाविंची हैं और पैब्लो पिकासो हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा करेक्टर जो है वो पैब्लो पिकासो का है। पैब्लो पिकासो स्पेन में 1881 में पैदा हुए। इनकी सबसे मशहूर शाहकार जो था वो था 30 सेकेंड्स पेंटिंग का। ये एक दिन एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हुए थे, एक लेडी आई, वो देख के पहचान गई, अरे पैब्लो पिकासो। उन्होंने बोला कि जी, उन्होंने बोला कि आप मुझे कोई ऐसी वर्थफुल चीज़ दें जो जिसको मैं बेचूं और वो उससे ना मुझे बहुत सारे पैसे मिल सकें। तो उन्होंने अपनी जेब से एक पेपर निकाला और पेन लिया और जल्दी से 30 सेकेंड्स के अंदर एक ड्राइंग उन्होंने ड्रॉ की और उस औरत को दे दी और कहा कि ये लो, ये 50 लाख की पेंटिंग है। तो उस औरत को तो यकीन नहीं आया, लेकिन जब वो मार्केट गई, उसने वर्थ मालूम करी उस पेंटिंग की, तो पता चला कि वो वाकई 50 लाख की थी। वो ढूंढती भी पैब्लो पिकासो के पास, पूछती भी, वापस उनके पास आई और पूछा कि आपने बिल्कुल सही कहा था, वो पेंटिंग 50 लाख की ही थी। मुझे भी ये आर्ट सीखना है, कैसे करते हैं आप? मैं भी चाहती हूँ कि मैं आर्ट सीखूं और इस तरह ये 30 सेकेंड्स के अंदर इतनी अच्छी पेंटिंग बना सकूं। उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर आप मुझे अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दें। उसने कहा कि 30 साल क्यों? तो पैब्लो पिकासो ने बोला कि मुझे इस 30 सेकेंड की पेंटिंग को बनाने में ज़िंदगी के 30 साल लगे। हम लोग हमेशा यही करते हैं, हम कामयाबी देख लेते हैं लेकिन उसके पीछे की एफर्ट को नहीं जानते। पैब्लो पिकासो को वो 30 सेकेंड की पेंटिंग बनाने में 30 साल लगे थे। कितनी कितनी बार रिजेक्शन हुई होंगी उनको और उसके बाद जाके कामयाबी मिली।